IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट डेफिनेशन। बोरोइंग कॉस्ट आर डिफाइंड एज इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट दैट एन एंटिटी अकर्स इन कनेक्शन इनकर्स, द बोरोइंग ऑफ फंड्स। एंटिटी हाँ इनकर्स, इंटरेस्ट की बात हो रही है। इनकर्स आगे रिकॉग्निशन, बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड इफ दे रिलेट टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। IAS 23 डिफाइन्स अ क्वालिफाइंग एसेट एज वन दैट टेक्स अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। डिफाइन्स अ क्वालिफाइंग एसेट एज द वन दैट टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज ऑफ सेल। या बिकॉज बोरिंग कॉस्ट होता क्या, अपने पैसा बोरो किया है कोई ऐसी चीज को कंप्लीट करने के लिए जो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, ताकि वो चीज इंटेंडेड यूज के लिए या सेल होने के लिए तैयार हो जाए, इसके लिए IAS 23 डिफाइन करता है। मतलब अगर अपन ने हाउस प्रॉपर्टी बाय करने के लिए लिया है लोन, तो वो क्वालिफाइंग एसेट हो गया बेसिकली, कि वो तब तक बन रहा करेक्ट, होगा। मतलब वो उसे एज ए क्वालिफाइंग एसेट डिफाइन करता है IAS 23। ओके फिर आता है कैपिटलाइजेशन पीरियड। बोरोइंग कॉस्ट शुड ओनली बी कैपिटलाइज व्हाइल कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस। IAS 23 स्टिपुलेट्स दैट कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड कमेंस व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई। एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट इज बींग इनकर्ड, बोरोइंग कॉस्ट आर बीन इनकर्ड, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू गेट द एसेट रेडी फॉर यूज आर इन प्रोग्रेस। एक्सपेंडिचर ऑफ द एसेट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड, बोरोइंग कॉस्ट आर बीन इनकर्ड, मतलब जो कॉस्ट अपन ने, मतलब जो अपन ने लोन लिया था वो भी इनकर हो गया, एंड एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू गेट द एसेट रेडी फॉर यूज आर इन प्रोग्रेस। ओके एक्टिविटीज आर नेसेसरी टू गेट द एसेट रेडी फॉर यूज, इसका कोई एग्जांपल दे सकती? तो एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू गेट एसेट रेडी फॉर यूज। द आंसर इज नो। नो ऐसा नहीं है। आई थिंक जैसे कि अभी अभी कोई बिल्डिंग बन रही है तो उस चीज को बनाने के लिए तो कोई मतलब अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी ऐसे सेल करनी है तो उसके लिए सेल्स टीम का होना, लाइक एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी। रूममेट बोल बोल। ऐसे के प्रोग्रेस, मतलब भाई अगर बिल्डिंग बन रही है उसका कंस्ट्रक्शन चालू है तो इट इज इन प्रोग्रेस, इट इज एन एक्टिविटी विच इज बीइंग कंडक्टेड टू गेट दैट पर्टिकुलर एसेट टू हाँ राइट बी राइट, बिल्ड, वर्क वर्क ऑफ द तो लेबर्स वैसा मे बी राइट। कंस्ट्रक्शन नहीं अगर मशीनरी तेरे को अभी यूज करनी है तो वो मशीनरी बनाने के लिए जो एक्टिविटी है पहले तेरे को इनकर करनी पड़ेगी। एक्टिविटी मतलब वो मशीनरी बनाने के लिए वो वो इन प्रोग्रेस होनी चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। अगर रुका हुआ है काम तो शायद दे माइट नॉट कंसिडर कंसिडर इट टू बी कैपिटलाइज्ड राइट, ऐसा। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट should cease when substantially all the activities that are necessary to get the asset ready for use are complete. Perfect. Capitalization of borrowing cost should be suspended during extended periods in which active development is interrupted. Capitalization That of same borrowing thing. cost should be suspended during extended periods in which activity development is interrupted. Okay. It covers that part, third वाला जो point था, activities that are necessary to get the asset ready for use are in progress. If it is not in progress, if it is interrupted, then मतलब कि वो फिर वो उसको suspend किया जाएगा, या मतलब तो अगर वर्कर्स extended का स्ट्राइक है, period क्योंकि ये चीज शायद FR में आई थी, अगर वर्कर्स का स्ट्राइक चल रहा है तो वो स्ट्राइक का पीरियड शुड नॉट बी कंसिडर्ड और शुड नॉट बी कैपिटलाइज। हाँ, मतलब बेसिकली इफ समथिंग इज प्रोवाइड डूइंग अ हिंड्रेंस बिटवीन द नॉर्मल प्रोसेस तो परफेक्ट उस चीज को अपन कैपिटलाइज नहीं करेंगे ऐसा, उस पीरियड को व्हाटएवर। स्पेसिफिक एंड जनरल बोरोइंग्स, वेयर अ लोन इज टेकन आउट स्पेसिफिकली टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। IAS 20 23 सेज दैट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड इज द
इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन लेस इनकम अर्नड ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ द बोरोइंग्स. करेक्ट, लोन लेस इनकम मतलब वो अर्नड जो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरोइंग्स. बोल बोल. वो जो अपन लोन लेते हैं, और कितने बार ऐसा होता है ना कि भाई लोन ले लिया बट काम चालू नहीं हुआ, तब तक उतने देर उस पैसे का क्या करें, तो अपन किसी को दे देते हैं तो अपन को उसका इंटरेस्ट मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट और करते हैं हाँ बेसिकली उस पैसे की. इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसका अपन को वो मिल जाता है इनकम, जो भी इंटरेस्ट। और अगर अपन को कहीं पे पेबल है, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, तो मतलब अपने इतने पीरियड के लिए लोन ले रखा है और उसका फिर इंटरेस्ट भी तो चार्ज हो रहा है। फॉर सपोज बराबर. अगर मैंने मैंने लोन लिया है एट अ रेट ऑफ 10%, ठीक है, और मैंने तुझे भी चाहिए था फॉर 3 मंथ्स, पर मेरा काम चालू नहीं हुआ था, मैंने तेरे को दे दिया 15%, तो मेरे को 5% का वो हुआ, तो मैं अपना इंटरेस्ट में से अर्निंग्स में लेस कर सकती हूँ, ऐसा बोल रहे। इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज फाइनेंस फ्रॉम एन एंटिटीज जनरल बोरोइंग्स, द बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल टू बी कैपिटलाइज्ड आर डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द वेटेड एवरेज जनरल बोरोइंग्स रेट टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एसेट. मतलब अपने को वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा कि सारे इंटरेस्ट रेट्स कितने हैं, एंड अकॉर्डिंगली अपने को एक रेट मिलेगा और उस एक रेट को कैपिटलाइज करना है. Disclosures. IAS 23 requires the following disclosures. The value of borrowing cost capitalized during the period. ठीक है. The capitalization rate. ठीक है. अभी TYU3 high rise. On 1st of January 2011, high rise obtained a planning permission to build a new office building. Construction commenced on 1st of March 11. ये सब मैं जरा लिख देता हूँ एक्सेल में. चलो फर्स्ट जान को सिर्फ परमिशन मिली. तू तू यार यौन मत किया कर, फिर मेरा भी निकल जाता है. 1st of March 20 सो कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड. क्या निकल जाता है, साहिल कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड. यॉन साहिल, यॉन यॉन. यू बेटर नॉट कट दिस पार्ट। टू हेल्प फंड द कॉस्ट ऑफ द ओके बिल्डिंग अ लोन ऑफ 5 मिलियन वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 1st of April 2011. तो अपन ने जो लोन लिया, मिलिया 1st of April 2021. इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन वॉज 10%. इतना गंदी चीज है ना एक्सेल. कभी कभी 10% इंटरेस्ट रेट तो 10% का था. कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग सीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड मटेरियल. सो जुलाई में सीज हो गया. By 31st of December 2011, द बिल्डिंग वॉज नॉट कंप्लीट. कॉस्ट इनकर्ड टू डेट वर 12 मिलियन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द लोन. फक, ओके ये क्या है भाई, ये क्या है. अच्छा, बेसिकली अरे मैंने यहाँ पे 20. बोल बोल. हमने लोन लिया मार्च में, मार्च में लोन लिया, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का अपन को इंटरेस्ट चुकाना रहेगा। अप्रैल में लोन लिया, अप्रैल मई जून जून. ओके अप्रैल में लिया है क्या, तो हाँ अप्रैल मार्च मई में जून कंस्ट्रक्शन कमेंस हुआ है. तो हम लोग, अच्छा अप्रैल में लिया, तो अप्रैल से काउंट करेंगे, अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद हम लोग को बोला है कि जुलाई से वो हो गया, तो पर फिर हमने जुलाई पे किसी को दे दिया क्या, क्या बोलते हैं। जुलाई से तो मतलब अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज था, तो मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ गया वो.
सस्पेंडेड ड्यू टू एक्स ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट, तो मतलब ये वाला अपन कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, तो कितना रहेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का पीएनएल में जाएगा कॉस्ट। 3 मंथ्स का वी विल कैपिटलाइज, बाकी के 9 मंथ्स का, नाइन कैस नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अच्छा अच्छा नवंबर हाँ दिसंबर, 6 महीनों का, छ महीनों का प्रॉफिट 250, ये अपन कर देंगे पीएनएल डेबिट, पी एंड एल डेबिट, जस्ट एक सेकेंड ना, एंड ये जो 3 मंथ्स का है ये अपन कर देंगे एसेट में ही कैपिटलाइज, तो ये एसेट के अंदर ही एड अप हो जाएगा, इतना इजी होगा। तो अभी अभी और भी तो है। कॉस्ट इनकर्ड इन टू डेट वर 12 मिलियन, कॉस्ट अभी तक इंटरेस्ट जो है 12 मिलियन है अभी तक, एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये जो कॉस्ट है उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड नहीं किया गया है, तो 12 प्लस जो अपना इंटरेस्ट लगा है वो अपन इसमें ऐड कर देंगे ना। और द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ अ लोन वाज, एक सेकेंड, टू हैव द रिफंड द कॉस्ट। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, पढ़ पढ़ पढ़। ओके। अपने ने प्लानिंग कमीशन बिल्डिंग में होने कंस्ट्रक्शन में फॉर द फंड टू हेल्प फंड द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, अ लोन ऑफ 5 मिलियन वाज रिसीव फ्रॉम द बैंक, और 5 मिलियन का तो हमें निकालना क्या है? मतलब हम लोग को ये नहीं दिया है कि बिल्डिंग का एक्चुअल में कितना कॉस्ट लगेगा, पर अपन ने लोन 5 मिलियन का लिया है, उसमें से 12 मिलियन तो अपना कॉस्ट लग चुका है। उतना शायद अपने पास फंड्स थे, लेकिन 5 मिलियन जितने फंड्स अपने पास नहीं थे तो वो अपन ने खाली बोरो किए। तो यह सेम कि 12 प्लस 5, ऐसा नहीं, कि 12 नहीं कि इंक्लूसिव ऑफ ट्वेल्व 5। मिलियन तो उन्होंने अब तक का कॉस्ट इनकर किया है, दैट इज इररिलेवेंट मुझे ऐसा लगता है। ओके, डिस्कस द अकाउंटेड जर्नल ऑफ द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्योंकि ऐसा है कि अपन अपने एसेट के अंदर इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, राइट, कैपिटलाइज करेंगे, तो अपना एसेट का वैल्यू कितना है? अपने एसेट का वैल्यू कितना? अच्छा, ओ ओके ओके ओके, आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू से। लोन 5 मिलियन का लिया है, अभी लोन लिया है तो लोन का अमाउंट कैपिटलाइज होता है क्या? पर मैं क्या बोल रहा हूं, देखना जो बिल्डिंग है वो तो अब तक बनी नहीं है, तो उसको अपन करेक्ट। कैपिटलाइज नहीं कर सकते ना अभी। तो पर अगर अपन को सपोज वैल्यू दिया जाता तो अपन उतना तो निकाल पाते जितना परसेंट ऑफ द बिल्डिंग बना है, पर वो भी अपन को नहीं दिया है फॉर द फैक्ट। तो ठीक है, लेट्स सी द आंसर ना कि क्या ही किया होगा हम लोग। द एंटिटी मस्ट कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। द न्यू ऑफिस बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट बिकॉज इट टेक्स अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। हाई राइज शुड स्टार्ट कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन मेट। इट इनकर्स एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट 1st of March 2011, इट इनकर्स बोरोइंग कॉस्ट 1st of April 2011, इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इंटेंडेड यूज 1st of April 2011। बराबर, ये सब हो रहा था। कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट शुड देयर फॉर कमेंस ऑन 1st of April। कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट सीज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बिकॉज एक्टिव डेवलपमेंट वॉज सस्पेंडेड। इन टोटल 8 months वर्थ बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज इन द ईयर 31st of December 2011। ये क्या है? तो अपन टोटल अपन ने 8 महीने का क्यों ऐसा किया? अपना ईयर एंड क्या था? 31st ऑफ दिसंबर।
ओ आई अंडरस्टैंड, आई शी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग सीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई ओनली, सो अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिर्फ सिर्फ जुलाई के दिन टाइम पे सीज किया है। मैं मेरे को नींद आ रही, समझ आता है तेरे को नींद आ रही है यार, तू नहीं क्यों नहीं पढ़ रहा प्रॉपर? अरे क्या, अरे अभी मेरे को ये थोड़ी पता था यार, ड्यूरिंग मेरे को तो लगा कि ये लोग बोलेंगे कि भाई जुलाई के बाद भी चालू है मतलब। मंथ ऑफ जुलाई, तूने गलत ही पढ़ा, तूने पढ़ा ही गलत, तू क्वेश्चन पढ़ रहा था ना, गलत पढ़ा तूने। अच्छा सिर्फ जुलाई के मंथ में बंद है, नॉट जुलाई किधर बंद है। तेजी जा रहा पता नहीं कुछ बातें चल रही है, म्यूट पे। हाँ ठीक है, तो फिर 12,333 आता है भाई, क्रेजी। दैट्स द ओनली मिस्टेक, दीज विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग गिविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 12,333 एज एट 31st of December 2011। द बिल्डिंग इज नॉट रेडी फॉर यूज, सो नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। ठीक है, सिली मिस्टेक ही था, ज्यादा बड़ा मिस्टेक नहीं तूने था। पढ़ लिया पूरा, क्या था उसमें, नहीं, एंड का क्या तो वही उसमें? था, ये देखिए देखिए देख, द टोटल बोरोइंग कॉस्ट इज टू बी कैपिटलाइज्ड इज, ये जो आपने को मिला, दीज विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ 12,330। यार आई कांट अफोर्ड सच सिली मिस्टेक भाई, सिली ये बहुत मिस्टेक था, हार्ट ठीक है ब्रेकिंग था कोई भाई। ना अच्छा है भाई आज कर लिया ताकि नेक्स्ट टाइम आप खुली रहेगी, तो भाई। हो गया मेरे को। नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट आईएएस, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बोल बोल। इरेलीवेंट ठीक है, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिलेट्स टू प्रॉपर्टी दैट इज लैंड और बिल्डिंग्स हेल्ड बाय द ओनर और बाय द लेसी एट द राइट ऑफ यूज एसेट टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन और बोथ। व्हाट द फक, रिलेट्स टू प्रॉपर्टी मतलब लैंड और बिल्डिंग्स, ठीक है इतना तो क्लियर है। हेल्ड बाय द ओनर, वो खुद ओनर, और बाय द लेसी मतलब जो बंदा रेंट पे रह रहा है, लेसी एज द राइट ऑफ द यूज एसेट टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन और बोथ। मतलब अगर सिर्फ प्रॉपर्टी बाय करके रखी है कि इनविजिबल वैल्यू बढ़ती रहे उसकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो बेसिकली बिजनेस करने का मोटिव नहीं है, मतलब हाँ बिजनेस करेगा, या फिर मतलब वो रेंट पे देने वो का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, बिकॉज हाँ अदरवाइज इट वुड हैव बीन IAS 60, बट इट इज हाँ IAS 40। लेट्स गो, नाइस। ठीक एग्जाम्पल्स ऑफ है आई इन्वेस्टमेंट रीड, लेट प्रॉपर्टी, मी रीड बिकॉज आई फील वेरी स्लीपी। ठीक है तू पढ़। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आर लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, लैंड हेल्ड फॉर अनडिसाइडेड फ्यूचर यूज, बिल्डिंग लीज आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। तो तीनों ही भैया। फॉलोइंग आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इज IAS 60 DPE। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट फॉर सच सेल IAS 2 इन्वेंटरी सप्लाई। ओके, प्रॉपर्टी को हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको हम लोग IAS 2 बोलेंगे। प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ थर्ड पार्टी इज IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम द। ओ भाई क्रेजी क्रेजी, ये वाला नया था, ये वाला नया था, क्रेजी FR में नहीं था। क्रेजी क्रेजी भाई, मेरे को ऐसे कुछ और फील होने लग गया है। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज IAS 16 अप्लाइज। ओके, प्रॉपर्टी लीज टू अनदर एंटिटी अंडर अ फाइनेंस लीजेस IFRS 16 लीज अप्लाइज। भाई इसके अपन नोट्स बनाएंगे, अभी आज नहीं बनाते कल बनाते हैं, लेकिन इसके नोट्स बनाएंगे भाई। ये वाला इम्पोर्टेंट था, ये वाला सेक्सी क्रेजी आंसर था, मतलब पूरा इंप्रेस सेक्स हो गई, सेक्सी। मतलब बेसिकली वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश ऑल दोस पॉइंट्स विथ ऑल दोस IAS। यही तो SBR में पता है क्या ही होता है, यही वो लोग बोलते हैं कि भाई तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे है कौन सा IAS, यही नहीं होगा तुमसे, बाकी तो छोड़ो। यस वो चाहिए।
कोई ना आ जा, नेक्स्ट पे आ जा, मजा तो आया। नेक्स्ट, मेजरमेंट क्या पढ़। जानबूझ के भाई इसको पीछे से जा रहे हैं, चूल कोई ना कोई ना, होती है ना भाई छोटे भाइयों में भाई, क्या बता मेजरमेंट ऑन रिकॉग्नाइजेशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट, मुझे आगे सब कुछ एट कॉस्ट ही हो रहा है ना। आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन एनडीवी मे चूज आइदर अ कॉस्ट मॉडल और अ फेयर वैल्यू मॉडल, बाकी टाइम भी हमने कौन से मॉडल के यही थे क्या, कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ही था ये क्या था। रिकॉग्निशन एक्चुअली आई एम ऑल्सो कंफ्यूज कि इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक तो मेरे को भाई डिफरेंस ही नहीं समझ आता फेयर वाले और रिवैल्यूएशन ओ राइट, मुझे याद आया, इसका कुछ तो ऐसा ऐसा था, इसका रीजनिंग था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए डाल रहा हूं तो उसका प्राइस बढ़ते ही रहता है, और रिवैल्यूएशन में भी तो मतलब, तो फिर रिवैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन इन दैट रिवैल्यूएशन द प्रॉपर्टी वैल्यू शुड आइदर गो मोर और लेस, लेकिन इन्वेस्टमेंट में अगर कर रहा हूं तो मैं थिंकिंग के मतलब पर्सपेक्टिव से ही जा रहा हूं, ऐसा था। बात बता पहले फेयर वैल्यू और रीवैल्यूएशन क्या? फेयर वैल्यू और हाँ, रीवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है। अच्छा रिवैल्यूएशन में तेरे को रिवैल्यू करना ही पड़ता है एसेट को, फेयर वैल्यू में नहीं कहा रहा था रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू कैसा होता है कि तेरे को बेसिकली तेरा मन किया कि भाई मैं आज उसको बुलाऊंगी रिवैल्यूअर को और आज मैं उसे रिवैल्यू करवाऊंगी। फेयर वैल्यू में तेरे को उस टाइम पे मार्केट रेट क्या चल रहा है उस हिसाब से तेरी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है, समझा? सीम्स लाइक द सेम थिंग, डिफरेंस ओके देख, एक नहीं बार समझ पढ़। आया। देखो कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, द कॉस्ट मॉडल शोज इन्वेस्टमेंट कैपिटल इज हेल्ड एट कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नो रिवैल्यूएशन इज परमिटेड। फेयर वैल्यू मॉडल, अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल द एनडीटी री मेजर्स इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टू फेयर वैल्यू ईच ईयर, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। All gains and losses on revaluation are reported in the statement of profit and loss. मतलब fair value और revaluation को तो same ही लग रहा है, because they are using it as ऑलमोस्ट synonyms. सेम रहता है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि मुझे लगता है रिवैल्यूएशन अपन हर साल नहीं करते, बट एक बार Okay. All सर्वो gains and losses on revaluation are reported in the statement of profit and loss if in exceptional circumstances. It is impossible to measure the fair value of an individual investment property reliably, then the cost model should be adopted. Fair enough. अगर अपन फेयर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे, तो अगर फेयर वैल्यू मॉडल एनडीवी मेजर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू ईच एंड नो डेप्रिसिएशन चार्ज, जितना भी गेन या लॉस होगा रीवैल्यू करने पर उस प्रॉपर्टी का वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यूजुअली आई गेस रीवैल्यूएशन में इट गोज इनटू ओसीआर राइट, इसमें ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहे हैं, तो इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इफ वी आर रीवैल्यूइंग इट द गेन और लॉस विल गो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर अपन इसको फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको कॉस्ट में मेजर करेंगे। अब आ जाते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पर, दैट इज ट्रांसफर, जो 100% पेपर में आएगा इफ दिस पार्ट कम्स। तो ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन ओनली बी मेड इफ देयर इज अ चेंज ऑफ यूज, देयर आर सेवरल पॉसिबल सिचुएशन व्हिच दिस माइट अकर एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ईच इज सेट आउट बिलो। ट्रांसफर फ्रॉम IS-40 टू IS-16, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो यूज द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज फॉर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग अंडर IS-16। फेयर वैल्यू, यूज द फेयर वैल्यू जिस दिन हम चेंज कर रहे हैं फॉर द अकाउंटिंग अंडर IS-16। अंडर IS-16 हम फेयर वैल्यू यूज करेंगे जिस दिन हम IS-40 से IS-16 जा रहे हैं, IS-40 से IS-16 जा रहे हैं फेयर वैल्यू यूज करेंगे जिस दिन हम चेंज कर रहे हैं अंडर IS-16। ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंटरी, मतलब
IS42 IS2 जा रहा है, यूज द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ द चेंज फॉर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग अंडर IS2 इन्वेंटरी, सेम एज अबाउट, बस उसमें IS2 आ जाएगा, उसमें IS16 का ट्रांसफर सेम तरीके से हो रहा है। फिर ट्रांसफर फॉर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी कैरीड फॉरवर्ड एट फेयर वैल्यू, मतलब IS16 से हम IS40 पर जा रहे हैं। नॉर्मल अकाउंटिंग अंडर IS16 जो होता है कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन, नॉर्मल अकाउंटिंग इन IS16 होता है कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन, विल हैव बीन अप्लाइड अप टू डेट ऑफ द चेंज, मतलब जब तक हम ट्रांसफर वांसफर कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ऑन अडॉप्टिंग फेयर वैल्यू देयर इज नॉर्मली एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कॉस्ट, एक कॉस्ट था उसे हम डिप्रिशिएट करते जा रहे हैं, अब एक फेयर वैल्यू आ रहा है तो उसका वैल्यू जो जो भी कॉस्ट रहेगा उससे ज्यादा ही रहेगा। दिस गेम इज रिकॉग्नाइज एज ओसीआई एंड क्रेडिटेड टू सरप्लस इन इक्विटी इन अकॉर्डेंस विद IS16, वेरी नॉर्मल, जो भी गेन हो रहा है हम ओसीआई में डाल रहे हैं तो इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल रहे हैं इन दैट इक्विटी वाला थिंग। इफ द फेयर वैल्यूएशन कॉजेज अ डिक्रीज इन वैल्यू देन इट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट, इफ द फेयर वैल्यूएशन कॉजेज अ डिक्रीज इन वैल्यू देन इट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट, आई गेस इट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट्स नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस, ओके मैंने माफ भी कर रखा है, मतलब अगर वो गेन नहीं होता और अगर वो लॉस होता तो आई गेस पहले हम वो गेन को एडजस्ट कर देंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस में, अगर उससे ज्यादा लॉस होता है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, समझा? तो वापस से पढ़ो, पर वापस से वही चीज पढ़ू कि आगे जाओ? नहीं, आगे बढ़, क्योंकि देख मेरे को समझा कि जो भी गेन हो रहा है वो अपन मतलब सरप्लस में डाल देख रहे हैं। नॉर्मल, देख इसका मैं तो हिंदी में बताऊंगा यार तो समझ आएगा। सबसे पहले तो अपन का नॉर्मल जब IS16 प्रॉपर्टी प्लान रिक्रूटमेंट से IS40 में जा रहे हैं, ठीक है ये तो क्लियर है, तो उसमें सबसे पहले अपन IS16 में क्या यूज करते हैं मेथड, कॉस्ट मेथड, व्हिच इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, वो मेथड यूज कर रहे हैं टिल द बराबर डेट ऑफ चेंज। जिस दिन चेंज वाले डेट पे आ रहे हैं उस दिन अपन का जो वैल्यू रहेगा विल बी लेस देन द फेयर वैल्यू जो हम लोग उस दिन कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट? अब वो वैल्यू और फेयर वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस विल बी कैरी फॉरवर्ड इनटू ओसीआई इफ इट इज अ गेन, इट ओसी है। इज अ गेन टू ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस लाइक नॉर्मली हम लोग करते हैं, बट इन केस इफ द फेयर वैल्यू इज डिक्रीज्ड एंड उसका लॉस आ जाता है तो हम उसे चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, पीएनएल में ठीक ठीक है? अभी ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्रीज टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टू बी कैरीड एट फेयर वैल्यू, मतलब IS2 से IS16 में, नहीं IS40 में जा रहे हैं, है आईएस क्या टू इस से बॉटी में जा IS40 रहे में हैं एनी क्या कह रही है चेंज बस। द कैरिंग अमाउंट कॉज्ड बाय द ट्रांसफर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी चेंज रहेगा कैरिंग अमाउंट में उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दें, वेरी बेसिक, ऐसा इसको अपने नोट बनाना ही जानबूझ के पड़ेगा, मत इसका करना। नोट बनाना ही पड़ेगा। हाँ इस पे अपन कल नोट्स बनाते हैं पहले, तो नहीं रिकॉर्डिंग से पहले है ना, तब शायद जाके बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग। बट वो हो जाएगा, आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक ठीक मतलब इफ यू अंडरस्टैंड तो हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 1 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ेगी। लेवेंडर ओन्स अ प्रॉपर्टी which it rents out to some of its employees. The property was purchased for 30 million on 1 January 2002. वो ओन करता है प्रॉपर्टी जो वो रेंट आउट कर रहा है उसके एम्प्लॉयज को, उसका परचेज वैल्यू इज 30 ऑन 1 January 2002 एंड उसका यूजफुल लाइफ है 30 years एट दैट डेट। ऑन 1 January 2007 द प्रॉपर्टी हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 50 million एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है? मैनेजमेंट विशेस टू मेजर द प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू वेयर दिस इज अलाउड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है समझा? हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 11 फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2007। सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी दैट रुकना, इज अपन ट्राई करते हैं ना पहले।
है, ठीक है। एक एक बारह को 30 मिलियन था, 30 साल की यूजफुल लाइफ थी, तो मतलब हर साल का डेप कितना था ऐसा? ठीक तो फिर उसको लेके मैं रुको साल 12 13 14 15 16 बराबर 5 साल, तो 30,000 -25,000, तो ये मेरी कैरिंग वैल्यू आ गई, और अब मेरा रिवॉल्यूशन हो रहा है 50,000 पे, तो मेरा जो गेन हो रहा है वो हो रहा है इतना, लेकिन अब जो मेरी कैरिंग वैल्यू है वो है, सॉरी ये जो नंबर ऑफ इयर्स है वो है 30 -5 25, सो दिस डिवाइड बाय दिस 2000, सो मेरी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 48,000 की। परफेक्ट, पढ़ बराबर करेक्ट। है ना? प्रॉपर्टी दैट इज, या प्रॉपर्टी दैट इज रेंटेड आउट टू द एम्प्लॉई इज डीम्ड टू बी ओनर ऑक्यूपाइड एंड देयरफॉर कैन बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वेरी क्लियर। ठीक है, मैनेजमेंट विशेस टू मेजर द प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू, सो लेवेंडर अडॉप्ट्स द फेयर वैल्यू मॉडल IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट डेप्रिशिएटिंग द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एंड रिकॉग्नाइजिंग द रिवैल्यूएशन गेन इन OCR। Before the revaluation, the building had a carrying amount of 25, which is 30 into 25 divided by 13. The building would have been revalued to 50 million on 1st Jan 2007 with a gain of 25 recognized in OCR. The building would then be depreciated over its useful life of 25, giving a depreciation charge of 2 million in the year end, 31st December 2007. The remaining amount of asset as of 31st December 2007 is 48. There was no change or anything happening in here. कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा, कुछ नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्लास बेसिक था। क्वेश्चन टू, एबीसी। नाउ एबीसी ओन्स अ बिल्डिंग दैट इट यूज्ड एज इट्स हेड ऑफिस, दैट इट यूज्ड एज इट्स हेड ऑफिस ऑन 1st January 2001। द बिल्डिंग व्हिच वाज मेजर्ड अंडर द कॉस्ट मॉडल हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 5 लाख ऑन दिस डेट एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज 6 लाख। एबीसी वेकेटेड द प्रेमाइस। तो मेरी आवाज लाउड आ रही है क्या? नहीं नहीं आ रही है। हाँ ठीक है। हाउएवर द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू कीप द बिल्डिंग इन ऑर्डर टू रेंट इट आउट टू टेनेंट्स एंड टू पोटेंशियली बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्राइस। मतलब IAS 16 से IAS 40 हो चुका है यहाँ पे। एबीसी मेजर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एट फेयर वैल्यू ऑन 31st December 2001। The property had a fair value of 6,25,000. Cool. Excellent. Discuss the accounting treatment of building in the financial statements of ABC for the year ahead. 30%. Excel खोल रहा है कि क्वेश्चन कुछ तो ये लोग ने कुछ स्विच तो नहीं मारा है मारा क्या? क्या कैसे तो है, मारा है? एबीसी ओन्स अ बिल्डिंग दैट इट यूज्ड एज इट्स हेड ऑफिस। पहले हाँ? उसको एज अ हेड ऑफिस, मतलब वो एक, मतलब उसका बिजनेस था जिसमें वो यूज करती थी एज बराबर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। On 1st January, the building which was measured under the cost one had a carrying amount of this on this date when the fair value of the building was 6 lakh. ABC vacated the premises. However, the directors decided to keep the building in order to rent. अब वो लोगों ने डिसाइड किया कि वो यूज करेंगे एज अ रेंटल पर्पस एंड एज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इट इज यूज फॉर द रेंटल पर्पस टू गेन आइदर थ्रू रेंट और अच्छा थ्रू कैपिटल अप्रेजल। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी का रेंट के थ्रू उनको मिल रहा है बेनिफिट, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। राइट है, मुझे लगा फिफ्थ वो लीजेस का आएगा, बट नहीं नहीं लीजेस का भी नहीं आएगा, ये 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ही आएगा डायरेक्ट। तो ये लोग IAS 16 से IAS 40 पे जंप मार रहे हैं क्या?
डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी फॉर द ईयर एंडेड 31st। अभी क्या करेंगे हम लोग बताती हूँ। बता। पहले तो कॉस्ट मॉडल से नॉर्मली अपन इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे टिल द टाइम दे ट्रांसफर इट, ठीक है? तो मतलब एबीसी प्रोमाइसेस, हाउएवर अभी 1 जनवरी को हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं बिल्डिंग मेजर किया था कॉस्ट मॉडल पे, जिसका कैरिंग वैल्यू अपन को 5 लाख दिया हुआ है। ऑन दिस डेट व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज 6 लाख, एबीसी वेकेटेड द प्रोमाइस, हाउ द डायरेक्टर डिसाइड टू गिव द बिल्डिंग ऑन रेंट आउट टू टेनेंट्स एंड टू पोटेंशियल टेनेंट्स इन द इंक्रीज इन प्रॉपर्टी मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 30% ऑफ द प्रॉपर्टी एट अ फेयर वैल्यू। आई थिंक बहुत ही ज्यादा बेसिक है, 6,25,000 माइनस 6,25,000 जो है इनका प्रॉफिट है, एंड IS 16 टू IS 40 में अगर गेन हो रहा है तो हम लोग वो गेन को PNL में शो कर रहे हैं कि OCI में, आईएस OCI में शेयर कर रहे हैं से ये वाला OCI। ना ओनर ऑक्यूपाइड, तो हाँ इसका जो गेन होता है ये तो ओसीआई में शो करना पड़ता है। OCI में जा रहा ठीक है, अब है, बस तो 25,000 जो है देखते वो OCI में आ जाएगा। हैं। नहीं यार ये देखना है, मैंने बाकी कुछ नहीं पढ़ा, मैंने एक्चुअली ये पढ़ा रिकॉर्डेड इन पीएनएल। अच्छा रुक जा, अब द फेयर वैल्यूएशन कॉजेज इंक्रीज इन द वैल्यू शुड बी चार्ज टू क्रॉस, सॉरी डिक्रीज इन द वैल्यू शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट। ठीक है, पर इन्वेंट्रीज नहीं, इन्वेंट्रीज तो नहीं जा रहे थे यार, IS 16 से ही जा रहे थे, सीधी बात थी। बोल लेट मी बोल। रीड द आंसर तेरे को समझिएगा। यस यस व्हेन द बिल्डिंग वाज ओनर ऑक्यूपाइड इट वाज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम 1 जनवरी 2000 व्हेन द प्रॉपर्टी वाज हेल्ड टू अर्न रेंटल इनकम एंड फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन सो इट शुड बी रिक्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फ्रॉम 1 जनवरी 2001 द प्रॉपर्टी वाज हेल्ड टू अर्न रेंटल इनकम फ्रॉम 1 जनवरी 2001 एज पर IS 40। If owner occupied property becomes investment property that will be carried at fair value, then a revaluation needs to occur under IAS 16 at the date of change in use. The building must be revalued from 5 lakh to 6 lakh under IAS 16. The gain of 1 lakh will be recorded in OCI and held in a revaluation surplus within equity. Investment property measured at fair value must be revalued each year end with the gain or loss recorded in profit or loss. At the year end, the building will therefore be valued at 6,25,000 with a gain of 25,000 recorded in profit or loss. Investment properties held at fair value are not नॉट depreciated. एप्रिशिएटेड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट नहीं होती। जो 1 लाख का गेन था वो 16 से 40 में जाने का था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट डेट ऑफ दैट ईयर से ही रेंटल में रेंट पे चढ़ा रहे थे, तो वो पूरे साल IS 40 के अंडर ही आती थी, और अगर पूरे साल IS 40 के अंडर आती थी तो उसको PNL में ही डालना है। अच्छा समझा, नाइस समझ। Disclosure in respect of investment properties IAS 40 says that an entity must disclose whether the cost or fair value model is used. पहले तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, अ रिकंसिलिएशन बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पीरियड, द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी द एंटिटी यूजेस कॉस्ट मॉडल। इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, The board believes that the information about the fair value of the investment property is highly relevant. However, to reduce the cost and the burden of producing financial statements, entities are permitted a choice between a cost model and a fair value model. IAS 40 requires entities to reconcile the carrying amount of investment properties year on year. However, if entity uses the cost model, IAS 40 requires that the aggregated fair value of investment properties disclosed. Okay. An example of reconciliation provided here.
कॉस्ट एट द बिगिनिंग, एडिशनल, रिक्लासिफिकेशन, डिस्पोजल, एंड ऑफ द ईयर. अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इंपेयरमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, डिप्रिसिएशन इंपेयरमेंट, रिक्लासिफिकेशन, डिस्पोजल, एंड ऑफ द ईयर, नेट कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, तो बढ़ने की जरूरत है. ठीक है, द एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज 210 मिलियन, 210 मिलियन, 210 मिलियन कहाँ पे दिया हुआ है? ये पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन ही है क्या? 210, 240? नहीं 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 ये कहाँ आंसर दे रहे हैं लोग कोई चीज का? पार्ट ऑफ द या चाहिए क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल ही, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन, ओनली देयर इज दिस एग्जाम्पल ओनली गोइंग ऑन. ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये बस ऐसे ही वो लोग बोल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन है, दिस इज जस्ट हाँ एक बैंक पैराग्राफ है सब। ठीक है, तो एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ ग्रुप इन्वेस्टमेंट 210 एंड इन 2006 में वो 240 हो जाता है. द फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग एन एप्रोप्रिएट रेंटल यील्ड टू द रेंटल्स अर्नड बाय द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. अ वैल्यूएशन हैज नॉट बीन परफॉर्म बाय एन इंडिपेंडेंट सर्वेयर. फ्रॉम द डिस्क्लोजर अबाउट, इन्वेस्टर्स कैन डिटरमाइन दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज बिलो द फेयर वैल्यू. इन अदर वर्ड्स, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस एंटिटी अंडरस्टेट्स इट्स वैल्यू. अंडरस्टेट कर रहे हैं वो लोग वैल्यू को. डिस्क्लोजर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एनहांस द एबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर टू कंपेयर द एंटिटी विद द एंटिटीज दैट यूज द फेयर वैल्यू मॉडल. डिस्क्लोजर आल्सो इन्फॉर्म्स इन्वेस्टर्स दैट द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज बीन एस्टिमेटेड यूजिंग अ जजमेंटल मेथोडोलॉजी एंड विदाउट द यूज ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट. दिस मे मीन दैट द वैल्यूएशन इज मोर ससेप्टेबल टू बायस एंड मैनिपुलेशन. ओके, मतलब वही कहना चाह रहे कि अच्छा जजमेंट होना चाहिए. जस्ट बिकॉज तुम्हें दो मेथड प्रोवाइड किया गया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम वो मेथड यूज करो जो तुम्हारे फेवर में, यू नो, तुम जजमेंट के अकॉर्डिंगली पास करो. देयर शुड बी सम रीजनिंग बिहाइंड अ मेथड दैट यू आर चूजिंग एंड इट शुड बी प्रूवेबल. जो मन में आया फेयर वैल्यू में वो लगा दिया, और वो नहीं चलना चाहिए. तो क्योंकि इधर एक इंडिपेंडेंट सर्वेयर ने ये निकाला नहीं था, परफॉर्म नहीं किया था वैल्यूएशन, तो फिर ये बायस और स्केप्टिकल हो जाता है थोड़ा सा कि मैनिपुलेटेड रहेगा एंड ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो नहीं करता. तो दैट इज व्हाट दे मेंट टू से विद दिस ओके पैराग्राफ. हाउ द डायरेक्टर ऑफ हाउ आर कंसीडरिंग परचेजिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम कैपिटल अप्रिसिएशन. Property prices are rising and the director believes that the substantial return could be made from these investments. Perfect. Directors are aware that IS 40 investment property offers entities a choice in how investment properties mature after initial recognition. However, the directors are unsure as to the factor that should be considered when selecting a measurement basis required. With reference to the investment property, discuss the factors that should be considered when preparers of financial statements are required to choose a measurement basis. Your answer should refer to conceptual framework. Why? Relevant Relevance and faithful representation. Let's go. representation. The conceptual framework has been defined by these two words to me now. Yeah, bro, like I conceptual. can't think of anything but relevance and faithfulness and linking them to ki bhai ki wo material to hoga hi, because obviously bhai ye cheez हाँ investment property hai, itna bada cheez hai to property material to, but ab fair value pe aata hai bhai ki wo neutral rahega, bias rahega, free from error rahega ki nahi rahega, completeness of information kitni hai and variable tha ki kya tha, नहीं, वेरिएबिलिटी नहीं completeness, आती उसमें, वेरीफाइबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी। और दो कौन से थे? कंप्लीटनेस, मुझे तो इतनी भी याद नहीं अंडरस्टैंडेबिलिटी, थी, तेरे को बहुत ज्यादा याद है। यस टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी आई गेस, इफ आई एम नॉट yes. रॉन्ग, दीज फोर वर देयर राइट. तो फिर उनके साथ हम रिलेट करके इसका आंसर दे देंगे आई गेस. ये बस देने को नहीं आ रहा भाई मौत आ भाई. रही है, ये देख के मौत आ रही है देख के भाई, इतना बड़ा आंसर। रुक जा, मैं पढ़ता हूँ। IS-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलाउज अ चॉइस बिटवीन द फॉलोइंग मॉडल्स, कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस, फेयर वैल्यू में द प्रॉपर्टी इज मेजर्ड टू फेयर वैल्यू
एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड विद गेन और लॉस रिपोर्टेड रिपोर्टिंग लॉस। इंस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द प्राइमरी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट विल हेल्प देम टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस व्हेन सिलेक्टिंग अ मेजरमेंट बेसिस द इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर शुड बी प्रायोरिटाइज। भाई ये तो सिर्फ बकचोदी है, ये तो सिर्फ एकदम रैंडम शिट है, काफी अच्छा। फिर रेलेवेंस, हाँ मतलब ऐसा ऐसा या बड़ा हर चीज तो बड़ा बन जाता है उससे। रेलेवेंस, प्रिपेयरर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंसीडर व्हिच ऑफ द मेजरमेंट बेसिस ऑफर्ड वुड प्रोवाइड द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू अचीव दिस कंसीडरेशन शुड बी गिवन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट मेजर्ड एज वेल एज हाउ इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्यूचर कैश फ्लोज। The fair values of many properties rise over time. As such, if a cost model is used, the carrying amount of the property is likely to do diverge from its fair value over time. बराबर, क्योंकि अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो फिर कोई सेंस ही नहीं है। नहीं, कम हो जाएगा ना, फेयर वैल्यू बढ़ जाएगा, कॉस्ट मॉडल से तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो वैल्यू Moreover, under the cost model, changes in the fair value of the investment property would not be recognized until disposal. In contrast, under the fair value model, fair value changes would be recognized annually. भाई ये काफी सही आंसर है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट हर साल बढ़ते रहते हैं, तो फेयर वैल्यू भी हर साल चेंज करते रहेगा। फॉल्स बिजनेस मॉडल वुड सीम टू बी बेस्ड ऑन सेलिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। As such, the fair value model may provide a more relevant information about future cash flows expected from the eventual sale. फिर आता है faithful representation. A measurement basis should be recognized. Sorry. A measurement basis should not be selected simply because the resulting financial statement impact would be received more favorably. However, बोल नहीं, मैं यही बोल रही हूँ। फेवरेबल अपन बोले थे ना, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले हाँ कि भाई राइट। तुम्हें अच्छा मिल रहा है तो तुम चूज कर लोगे, उस बेसिस पे नहीं होना चाहिए। हाउएवर, अ की फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हेन सिलेक्टिंग अ मेजरमेंट बेसिस इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टेट्स दैट फॉर सम एस्टिमेट्स अ हाई लेवल ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी मे आउटवे अदर फैक्टर्स टू सच एन एक्सटेंट दैट द रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन मे हैव लिटिल रेलेवेंस। द बोर्ड बिलीव्स दैट द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ एन आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन असेसिंग वेदर अ पर्टिकुलर Should be मेजरमेंट बेसिस considered. प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। फॉर मोस्ट बिल्डिंग्स इट वुड नॉर्मली बी पॉसिबल टू डिटरमाइन फेयर वैल्यूज थ्रू अ यूज ऑफ लेवल टू इनपुट्स कोटेड प्राइसेस फॉर सिमिलर एसेट्स इन एक्टिव मार्केट्स। आई थिंक मैं जरा म्यूट कर रहा हूँ। हाँ वो तेरे को सॉरी आवाज आ रही है। फॉर मोस्ट बिल्डिंग्स इट वुड नॉर्मली बी पॉसिबल टू डिटरमाइन फेयर वैल्यूज थ्रू द यूज ऑफ लेवल टू इनपुट्स कोटेड प्राइसेस फॉर सिमिलर एसेट्स इन एक्टिविटी मार्केट। ये अपना चैप्टर नंबर 3 का। इन द बिल्डिंग्स परचेज्ड आर, हाँ इफ द बिल्डिंग परचेज्ड आर देन योर यूनिक देन द लेवल 3 इनपुट्स दैट इज अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स मे नीड टू बी यूज टू डिटरमाइन फेयर वैल्यू। इवन इफ फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड थ्रू द यूज ऑफ लेवल 3 इनपुट्स दिस मेजरमेंट मे स्टिल प्रोवाइड मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैन वन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट एज लॉन्ग एज एस्टिमेट यूजेस द बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड द मेजरमेंट अनसर्टनिटी इज एडिक्वेटली एडिक्वेटली डिस्क्लोज। बराबर है, ये मेजरमेंट अनसर्टनिटी जो है वो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। और हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट से बेटर है कि किसी मतलब लेवल अनऑब्जर्वेबल इनपुट से अपन डेटा ले ले, वो ज्यादा रिलायबल रहेगा। कंपेरेबिलिटी, यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी कंपेयर्ड टू अदर एंटिटीज एनेबलिंग यूजर्स टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस। एज सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयरर्स माइट पिक अ मेजरमेंट बेसिस बिकॉज इट इज यूज्ड बाय अदर्स इन द सेम इंडस्ट्री। भाई काफी अच्छा पॉइंट है कि मतलब बाकी के अपने कॉम्पिटिटर्स वो मेजरमेंट बेसिस ले रहे हैं, इसलिए हम भी सेम मेजरमेंट बेसिस लेते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट एंटिटीज दैट अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूजिंग द कॉस्ट मॉडल आर स्टिल रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फेयर वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट। अच्छा मतलब अगर तुम लोग कॉस्ट मॉडल भी यूज कर लोगे तो भी हर साल
वो फेयर वैल्यू बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट हर साल बढ़ते रहते हैं, तो कॉस्ट मॉडल यूज करके कोई फायदा ही नहीं है एक्चुअली। कर ले कर ले, अनम्यूट कर ले अभी। पिछले पॉइंट जेन्युइनली काफी अच्छा था। अरे मेरा ब्लैंक आउट क्यों हो गया? जिसने मैं चार पढ़ूं तो भी मुझे नहीं याद रहेगा, हो गया ना, फर्दर डील वी आर डन ना।